हम सबने क्रोकोडाइल जरूर देखे होंगे और अगर देखे नहीं होंगे तो इनके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रोकोडाइल अगर हमारे पीछे पड़ जाए तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपको बताता चलूं कि क्रोकोडाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन वो मुड़ने में बहुत समय लगाते हैं। इसलिए अगर कोई क्रोकोडाइल आपके पीछे पड़ जाए तो आप जिगजैग डायरेक्शन में भागिए। ऐसा करने से क्रोकोडाइल आपको नहीं पकड़ पाएगा और आप आसानी